हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने मॉर्निंग को। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए मम्मी के साथ में। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। अभी कितना टाइम है? अभी बज रहा है 5। मैं 5 बजने के लिए 10-15 मिनट उठी थी। मैंने फ्रेश व्रेश किया, उसने कपड़े वपड़े चेंज किया, फिर जूता लगाया। तो अभी मैं जा रही हूँ। मौसम इतना सुंदर लगता है सुबह सुबह का। नीचे जाने का भी रास्ता है ना। हे गैस, तो मैं घर आ गई हूँ वॉक करके। अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपना वेट कितना है, क्योंकि आज से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है और डाइटिंग भी मैं प्रॉपर करूँगी। देखते हैं कितना हुआ है अभी मेरा वेट। पहले मेरा था 62 से मैंने डाइट किया। उसके उन्हें डाइट करने के बाद मैंने कितना पहुँचाया था, 54-53 पहुँच गया था। उसके मैंने फिर मैंने 53 कुछ हो रहा था। फिर 53 मेरा पहुंच गया था वेट, जो मैंने डाइट करने के बाद में। फिर जनवरी से मैं डाइट एकदम कर नहीं पाई, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई मेला के समय में, और ना ही मेरा खाना पीना का टाइम टेबल भी सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया, और मुझे डाइट के लिए भी मौका नहीं मिलता था। जैसे कि मैं रोटी खाती हूँ तो डाइट में तो रोटी बनाने का मुझे मौका नहीं मिलता था सुबह सुबह आके। तो इसीलिए मैंने एकदम वहाँ पे डाइट छोड़ दिया। उसके लिए मैं मेला ख़त्म हुआ फरवरी को भी ऐसे ही हो गया, फिर मार्च को भी ऐसे ही मैंने किया ही नहीं, पूरा छोड़ दिया। भूल गई मतलब मुझे इतना हैबिट हो गया बाहर का सुबह का खाने का, तो मैं फिर से उस चीज़ को वापस कर ही नहीं पाई डाइट को रेगुलरली। तो अभी मैं फिर से आज से मैंने स्टार्ट किया। आज मैं वॉकआउट भी गई थी सुबह को, इसलिए मॉर्निंग वॉक गई थी सुबह को, इसलिए मैं आज से मॉर्निंग वॉक सुबह को कर रही हूँ। और अभी मेरा वेट देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको एक दो हफ्ते के बाद में बताऊँगी कि कितना हुआ है, कितना फ़र्क आया है मेरा वेट पे। तो मेरा अभी 54.80 है, मतलब 55 ही पकड़ लीजिए। तो देखते हैं एक दो हफ्ते के बाद में कितना होगा। इससे तो मेरा कुछ टारगेट बोल के तो नहीं है, बट मुझे बेली फैट घटाना, बट बेली फैट इतना जल्दी घटता नहीं, देखते हैं कोशिश करके। मम्मी का है 70.70। तो अभी मैं यहाँ पे नींबू पानी, जिसमें अभी तो मैं यहाँ पे नींबू और हनी डाल के पानी लाई हूँ गर्म पानी, तो ये पीऊँगी, ये पी पी के बिस्तर मिला दूंगी। उसके बाद में 72 थी मेरा। उसके बाद में मैं नाश्ता के लिए रेडी करूंगी, जो कि मैं रोटी खाऊंगी। तो मैं मॉर्निंग को एक रोटी खाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं लंच में दो रोटी, और डिनर में मैं देखती हूँ एक या दो, क्योंकि हम लोग का रोटी बहुत पतला पतला होता है, तो वो दो खा सकते हैं आप लोग, नहीं तो डाइट में एक ही खाने से भी होता है। बट हम लोग का रोटी जैसे पतला है उसका हिसाब से आप दो खा सकते हो, लेकिन मैं मॉर्निंग को एक ही खाऊंगी। वैसे भी मुझसे ब्रेकफास्ट इतना मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं बिस्तर मिला देती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को मिलती हूँ। तो मैंने गैस बिस्तर तो मिला दिया है, अभी मैं नींबू हनी वाला पानी पी लेती हूँ आराम से बैठ के। आज फर्स्ट दिन है ना, और रनिंग भी किया था मैंने, तो मेरा पाँव बहुत दर्द दे रहा है। आज मेरे दुकान में हालत खराब होने वाला लगता है मुझे।
बस मैंने पानी पी लिया और अभी मैं यहाँ में सब्जी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और लंच के लिए मेरा यही होगा सब। मैंने सब्जी बिठा दिया, अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जाके ब्रेकफास्ट करूँगी। और मेरा ब्रेकफास्ट में रोटी और ये सब्जी। अभी मैं दुकान के लिए निकल रही हूँ गाइस, और आज पूरा धूप लगा, देखिए। बाय। आज कितना दिन का बाद में दूसरा हो रहा आतंकवादी। लेकिन गर्म हो जाते नहीं लाने चाहते नहीं। गाइस, तो मैं दुकान पहुंच गई हूँ और लाइट भी नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा, इतना गर्म है ऊपर से, और गर्म लग रहा है। हे गाइस, तो मैं दुकान से घर भी आ गई हूँ और मुझे अंधेरा नहीं रोटी खाना पड़ा डिनर के लिए, क्योंकि लाइट आए ही नहीं है इसलिए पूरा अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे कैंडल जला के ही डिनर करना पड़ा है। और मेरा मोबाइल में बैटरी भी कम था इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूं। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग का प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।